गुप्त साम्राज्य जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, सन 375 में गुप्त वंश का शासक रामगुप्त हुआ। इस अवधि में शक अत्यंत शक्तिशाली थे तथा वे गुप्त साम्राज्य पर लगातार आक्रमण कर रहे थे। शकाधिपति जो एक क्रूर एवं विलासिता में लिप्त राजा था, रामगुप्त की पत्नी रानी ध्रुवस्वामिनी पर मोहित था। अतः उसने ध्रुवस्वामिनी को प्राप्त करने के लिए रामगुप्त को बाध्य किया। कायर रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी को शकाधिपति से विवाह करने के लिए कहता है, जिसका वह विरोध करती हैं। रामगुप्त के छोटे भाई महान विक्रमादित्य अपने साम्राज्य एवं रानी के आत्मसम्मान की रक्षा हेतु स्वयं स्त्री वेश धारण कर शकाधिपति के शिविर में जाते हैं, जहां वे बेखबर शकाधिपति पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ध्रुवस्वामिनी का विवाह विक्रमादित्य से हो जाता है तथा वे गुप्त साम्राज्य के अधिपति बन जाते हैं।